नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी। परीक्षा की घड़ी निकट है, आज मैं आप सभी लोगों से कुछ महत्वपूर्ण मन की बात करने आया हूं। आज कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है, बल्कि आपकी परीक्षा जो निकट है उससे संबंधित कुछ बातें आपसे करनी है। जब परीक्षा की घड़ी निकट आती है तो हमारे मन में तरह तरह की चीजें आती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में तरह तरह के तनाव आते हैं। हम कैसे अंतिम समय में अपने आप को संयमित रखें, क्या करना है जिससे जो दिन होता है हमारा परीक्षा वाला दिन, उस दिन हम कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं जल्दी ही, और फिर मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। इस कहानी के सारांश से आप जरूर सीखेंगे और जीवन के हर एग्जाम में आपको एक काम आएगी। एक बूढ़ी महिला थी, लगभग 70 वर्ष की। वो अपना जीवन यापन स्वयं करती थी। जीवन यापन के जो तरीके थे उसके, वो यह थे कि वो बाजार जाती थी, रुई का एक एक दो किलो का एक गट्ठा लाती थी, घर में आती थी, प्रतिदिन सूत काटती थी और शाम तक जो सूत काटती थी उस सूत को बेचने बाजार जाती थी। उससे जो पैसा मिलता था उससे उस महिला का जीवन यापन होता था। और वो महिला बहुत स्वस्थ थी, अपने काम से बहुत संतुष्ट थी। अनवरत यह प्रक्रिया 10 वर्षों से चल रही थी। छोटा सा एक रुई का गट्ठा लाना, सूत काटना, और सूत काटने के बाद फिर जो है उससे जो सूत बना उसको शाम को जाके मार्केट में बेच देना और उससे पैसे ले आना और अपना जीवन यापन करना। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसको देखा और उन्होंने कहा कि ये महिला आती है, जाड़े में आती है, बरसात में आती है, और बहुत डेडिकेटेड महिला है कार्य करने के प्रति, क्यों ना हम कुछ ऐसा उपाय करें कि इसकी कुछ परेशानी कम कर सके। उन लोगों ने एक छोटा सा उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि महीने भर में ये महिला जितनी रुई का उपयोग करती है सूत काटने में, हम क्यों ना महीने भर के उस सूत को इकट्ठा एक साथ इसके घर पर रखते हैं। और जहां पर वो सूत बेचती थी उस व्यक्ति से कहा उन लोगों ने कि आप जाइए और प्रतिदिन का पैसा स्वयं लेके आइए, महिला को बाजार ना आना पड़े, इससे उसका कुछ परिश्रम बचेगा, उसकी तबीयत ठीक रहेगी और ठंड जाड़ा और बरसात से हम उसे बचा सकते हैं। उन लोगों ने ऐसा ही किया। एक महीने का रुई का गट्ठा लिया 50 किलो और उसके घर में रख दिया एक छोटी सी जगह में, और शाम को वो व्यक्ति प्रतिदिन घर आने लगा। एक दो दिन तो उसने सूत काटा लेकिन वो चिंतायुक्त बहुत हो गई, परेशानियां उसके चेहरे से झलकने लगी। कुछ दिन बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया और वो बीमार पड़ गई। जब उन लोगों ने आके पूछा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, तो उसने एक आसान सा प्रश्न जवाब दिया। उसने कहा कि इतना पहाड़ देखकर इस सूत का, इस रुई की गट्ठी का, उसने कहा कि रुई की गट्ठी का इतना पहाड़ देखकर हमें मानसिक चिंता हो गई कि हम इसको कभी काट नहीं पाए, और यही सोच सोच के हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी प्रभावित हो गई और हम बीमार भी हो गए और आज हम कार्य करने की स्थिति में नहीं। जब हमारे मन में किसी बात को लेकर उसका डर बैठ जाता है, भय बैठ जाता है, या उस कार्य को हम पहाड़ जैसा बना लेते हैं, तो वो कार्य निश्चित रूप से हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस पूरे जीवन में आपसे बड़ा कुछ नहीं है। आप एक मानव निर्मित लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसको मानव ने बनाया है, और मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है। जब हम स्ट्रेस में आते हैं किसी चीज को लेकर, जैसे हमने परीक्षा को अपने मन मस्तिष्क में एक पहाड़ जैसा बना दिया, हम स्ट्रेस में आ गए, हमने काम का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमने दबाव अपने ऊपर ले लिया, जब हम इन चीजों को अपने ऊपर लेते हैं तो इससे हमारी वर्किंग एफिशिएंसी और पॉजिटिविटी दोनों ही प्रभावित होती है, और जो एग्जाम रूम में समय समय पर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और हम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हमारी तैयारी होती है। अंतिम समय में आपको तुलना से बचना है। आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि उन्होंने कितना पढ़ लिया, उन्होंने कितनी तैयारी कर ली, हमने कितनी तैयारी कर ली, कुछ नहीं। आपको दबाव मुक्त रहना है। आपने सर्वश्रेष्ठ किया है। आपके जीवन में अनेकों कसौटियां हैं, अनेकों कसौटियां आएंगी जहां पर आपको जांचा जाएगा। जीवन से बड़ी कोई भी कसौटी नहीं होती। हम सब निरंतर सीखते हैं। हम एक परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को जीवन की एक बहुत छोटी सी कसौटी पर जांचने जा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे जीवन में 100 कसौटियां हैं जिसको जांचा जाना है, तो एक छोटी सी कसौटी ये भी है।
तो उसको बहुत छोटा सा मानते हुए बहुत विनम्र रहें, अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और इसी शांत मन मस्तिष्क से आगे बढ़ें। बिल्कुल प्रेशर ना लें, बिल्कुल दबाव ना लें, पहाड़ सा लक्ष्य अपने सामने ना बनाएं और उसी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपने सर्वश्रेष्ठ किया है, कभी भी किसी भी परीक्षा में किसी का पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। आपने क्या नहीं पढ़ा है ये ना सोचते हुए ये देखिए आपने जितना पढ़ा है उतने को ही रिकॉल करना है। नई विषय वस्तु को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना आपने जो नहीं पढ़ा है वो परीक्षा में नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है हमेशा वही परीक्षा में आएगा। लेकिन अगर ये अतिरिक्त दबाव आप अपने ऊपर लेंगे तो ये ह्यूमन एरर्स को जो है इनवाइट करता है और परीक्षा में आप आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं। सजग रहें, सरल रहें और आराम से आगे बढ़ें। परीक्षा के समय और भी देखा गया है कि छोटी छोटी चीजों से आप परेशान होते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट गई सुबह सुबह आपके सामने से, तो आपने सोचा अरे अब तो हमारा दिन खराब हो गया। बी पॉजिटिव, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। कभी बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, आज ही क्यों काट गई। डेली आपको जल्दी होती थी, आप पहले निकल जाते थे, आज बिल्ली को जल्दी है, वो आपसे पहले निकल गई, है ना, क्योंकि उसको भी काम की तलाश में निकलना है और आपको भी काम की तलाश में निकलना है। ये छोटी छोटी बातें हमारे दृढ़ लक्ष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। हमारे जीवन में जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ये होती है कि हम कितने आत्मविश्वास से लवरेज हैं और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर है। हमें यही देखना है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है, विश्वास पर मानिए आप 60% लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा मजबूत सेनाओं के पक्ष में होता है, ईश्वर हमेशा मजबूत योद्धाओं के पक्ष में होता है, है ना। अगर आप मजबूत योद्धा हैं, आप दृढ़ संकल्पित हैं, आप आत्मविश्वास से लवरेज हैं, तो आप छोटे छोटे दबाव को निकाल दीजिए, सफलता श्री निश्चित आपको मिलेगी, आप इसको मान के चलिए। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमें इन चीजों में बचना है। कुछ और सुझाव, किसी भी परीक्षा में हम सीखते हैं, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। स्वामी जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया समझ लीजिए उसकी मृत्यु हो गई। हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी परीक्षार्थी इतना बेहतर नहीं है कि उसने सीखना बंद कर दिया वो पूर्ण हो गया। तो परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं है, ये जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसे विनम्रता से स्वीकार करते हुए कूल एंड काम रहते हुए आगे बढ़िए। जब आप सेंटर तक जा रहे हैं तो कुछ चीजों में आपको बताता हूं लिखित में कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉल करिए, है ना, कि जो परीक्षा के लिए अनिवार्य उपयोगी विषय वस्तु है, पेन से लेके कागज से लेके, वो आपने रख ली है कि नहीं रख ली है, एक बार रिकॉल करें। आप बिल्कुल भी अतिरिक्त दबाव ना लें कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बल्कि परीक्षा के समय में आप अपने मन मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान और कूल एंड काम रखने का प्रयास करें, ताकि कल आपका मस्तिष्क थका हुआ ना हो, बल्कि परीक्षा के समय में जो 2020 आप खेलने जा रहे हैं उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। सभी तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा कुछ नहीं है, है ना। आपका जीवन है और जीवन जीना एक सुनहरी कला है। फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल कंडीशंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल कंडीशंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। स्माइलिंग इन ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंडीशन इज द आर्ट ऑफ लाइफ, है ना। ये जीवन जीने की कला है। परीक्षा की खूबसूरती ही यही होती है कि एक व्यक्ति पास होता है, एक व्यक्ति पास नहीं होता। सभी पास हो जाएंगे तो परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आप पास होंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, आप अपने ऊपर इस भरोसे को बनाए रखिए। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, उपयोगी विषय वस्तु, जो अनिवार्य विषय वस्तु है आपकी परीक्षा देने के लिए, चाहे वो आपके आईडी कार्ड है, चाहे वो कलम है, चाहे वो एडमिट कार्ड है, उन सबको एक बार रिकॉल करिए, कहीं आप भूल गए। अंतिम समय में अतिरिक्त दबाव नहीं लेना है। आज की रात खूब अच्छे से आराम करिए, परीक्षा की रात खूब अच्छे से आराम करिए, ताकि आपका मन मस्तिष्क तरोताजा रहे और आप अपना संपूर्ण 100% वहां पर दे सकें। परीक्षा में जब आप वहां पर जाते हैं तो अनावश्यक चीजों से बचें, अनावश्यक चर्चाओं से बचें और एकाग्र रहते हुए शांत मन से अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से आपके साथ है। हम सभी ने बहुत मेहनत की है, पूरा संस्थान
हम सभी लोग टारगेट बतालोक इंस्टीट्यूट प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कल यूपी टेट के सभी परीक्षार्थियों का पेपर या जीवन में कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका जो भी पेपर हो, हम सभी हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, है ना, कि आपका पेपर सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर से हमारी ये कामना है कि आप बहुत अच्छा करें, आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं है। ईश्वर हमेशा मजबूत इरादों के पक्ष में होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल की परीक्षा के लिए और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए टारगेट बतालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान के सभी सदस्य आपकी अग्रिम सफलता की कामना करते हुए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। शुभकामनाएं स्वीकार करिए और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को जरूर ध्यान रखिए। निश्चित मानिए कल शाम को आप सभी हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे, है ना, उत्साहित हो रहे होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।